संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, एयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत, हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। सरदार भगत सिंह उन्होंने साथियों की कुर्बानी नु याद करने लिए एकत्र हुए। मेरे बहुत ही सत्कारयोग दूरों दूरों आए भरावो, बच्चों, भैनों, बीबीओ ते मंच ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करांगा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक मैं बेनती है इस पासे खड़े सज्जनां नूं जरूर करनी चाहांगा, जदों भी कोई सज्जन इत्थे बोलन उठदा शोर बहुत हुंदा है। ये तुहाडा अपना प्रोग्राम है, इत्थे तुहाडियां गल्लां होणियां, कोई पोलीटिकल गल्लां नहीं होणियां। कृपा करके चुप दा दान बख्शो। दोस्तों, मैं थोड़ियां गल्लां तुहाडे नाल करनी है। अज तुसी सरदार भगत सिंह और उन्हां दे साथियों की कुरबानी नूं याद करन लई, नतमस्तक होण लई इत्थे आए हो। अज का दिन तुहाडे लई भी बहुत वड्डा इतिहासिक दिन है, जदों तुसीं इह संकल्प लैणा है वी जिहड़ी सर भगत सिंह की कुरबानी तो बाद जो कमी रह गई उहनूं पूरी करन वास्ते तुसीं अज अंदोलन विच रुझे होए हो। तुहाडा इह अंदोलन अज सिर्फ पंजाब का अंदोलन नहीं रहा, इह विश्वव्यापी अंदोलन हो निबड़िया। मैनू इस अंदोलन का फुरना 2017 के अक्तूबर महीने जदों मैनू सरकार ने नीति आयोग की मीटिंग सद्या, उतों सरकारी वर्शन सुन के मेरे मन में आया भाई सरकार कुराहे पैन लगी है, अज नहीं कल ये एक वड्डा अंदोलन खड़ा करना पेगा। फरवरी 2020 इस अंदोलन का बिगल बज चुका सी। 5 जून नूं सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किए, असी सारियां किसान जथेबंदियां इकट्ठियां होके अंदोलन की रूपरेखा तैयार करके अंदोलन नूं तेज करन लगे। मैं ये साफ कर दिया, कोई सज्जन कहिंदे होणगे कामरेडां दा अंदोलन है या कोई धार्मिक अंदोलन है, एक किसाना दा अंदोलन है। इत्थे कामरेड वीरां दा वड्डापण है कि उन्होंने इस अंदोलन विच किसे वेले भी कामरेडी नहीं कोटी, उन्होंने इस अंदोलन विच मुद्दियां नूं तरजीह दे के अपना बणदार अहम रोल अदा कीता है। इस करके एक किसानी सोच दा अंदोलन है, इत्थे कोई पर्टिकुलर सोच नहीं, जे है तो सिर्फ ते सिर्फ किसानी सोच है जिदे ते आधारित यह अंदोलन चल रहा है। साडे नाल ना ता कोई साडा बच्चा नौजवान निराश होया, ना अज निराश है। अज उते शंभू बॉर्डर ते वड्डी गिणती विच किसान इकट्ठे होए है, नौजवान इकट्ठे होए है, उते भी इसे तरह का समागम चल रहा है। मैं तुहानू एक गल्लों चौकस करना चाहना, भाजपा एहो जी छात्र पार्टी है जिहड़ी लोकां च गुमराह करन प्रचार करन लई अज तक दियां सारियां पार्टियां दियां सरकारां नूं पिछे छड्ड गई है। 3700 बंदा इन्हां ने अपने IT सैल विच भर्ती कीता होया, जिहड़ा अंदोलन दी लीडरशिप नूं बदनाम करन दी कोशिश करदा है, तरह तरह के सोशल मीडिया ते मैसेज पाउंदा है, लोकां नूं गुमराह करदा है, साडी लीडरशिप नूं गालां कढ़न दा काम करदा है ताकि इदां लगे जिवें लोक गालां कढ़दे होण।
इस तों तुहानू चौकस रहण दी लोड़ है। मैं एक गल तुहानू स्पष्ट दस दें, जिहड़ी साडी जिम्मेवारी है, अज सरकार मेज ते क्यों नहीं बहिंदी ये समझ लेना चाहीदा। सरकार अज तक दे सब तों वड्डे झूठियां दी सरकार है। असीं पहलियां चार मीटिंगां विच जिहड़ियां 6-6 घंटे चलियां कलॉज बाई कलॉज बहस करके कल्ले कल्ले कानून नूं देश विरोधी अते संविधान दे विरुद्ध साबित कर चुके हैं। सरकार नूं साडी किसे गल दा जवाब नहीं सी। इहो गल है जिहड़ा अज कहिंदे ने सोधा करांगे, कोई सुपना नहीं आया उन्हां नूं सोधां दा। जदों असीं इक इक कलॉज ते बहस करदे सी उदों ही कहिंदे सी अच्छा इहदे च आ सोध कर दिंदे आ, दूजी कलॉज ते बहस करदे सी अच्छा इहदे च आ सोध कर दिंदे आ। फिर सोधां दी इक लंबी लिस्ट बन गई जिहनूं असीं रिजैक्ट कीता। ते सानूं सरकार दे मंत्री कहिंदे आ, इक वड्डा मंत्री कहिंदा मीटिंग विच, भरावो कोई ऐसा रस्ता लभो जिहदे नाल सरकार दी भी इज्जत बच जाए तुहाडा भी काम हो जाए। इहदे माने की है? इहदे माने इह है भी सरकार हार चुकी है, इखलाकी तौर ते सरकार दी हार हो चुकी, तुहाडे डेलीगेशन दे अगे बैठण दी हिम्मत नहीं, इसे करके अज आने बहाने गल्लबात तों टाला वटदी है। और मैं तुहानूं यकीन दवाउणा चाहुंदा, तुहाडी इह लीडरशिप इन्नी तैयार है इस सरकार कोल कल्ले कल्ले कानून ते बहस करन लई, इस सरकार कोल तुहाडी इस लीडरशिप दा इहदी टीम दा कोई जवाब नहीं। उह लाजवाब हो जांदे ने, इस करके उठ के मीटिंग छड्ड के चले जांदे ने। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं इक्को बेनती करनी है, आउण वाला समां बहुत ही गंभीरता नाल लड़न दा समां। मैं इह कह सकदा क्योंकि इस अंदोलन दा धुरा पंजाब है, पंजाबी ओ तुहाडी साख सारी दुनिया विच इज्जत विच नंबर इक ते गई है। इस अंदोलन ने तुहाडी सारी दुनिया विच इज्जत बधाई है। इस अंदोलन ने भाईचारा मजबूत कीता है, जात पात खत्म कीती है, मानस की जात सभ्य एक है पहचान वो। इस अंदोलन ने गुरु नानक पातशाह ने जेड़ा राह दिखाया उस रस्ते ते चल के इहनूं सफलता दे नेड़े लै आंदा है। और इस अंदोलन ने जुरत कीती है जो गुरु नानक पातशाह ने कहा, राजे सिंह मुकदम कुत्ते, इतिहास हम शाही से नहीं मिटाने दे मुंह ते अज जो कहंदे ने इत्थे बड़ा सख्त बोलदे ने, उसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਅਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਪਰਸੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਓਨੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਓਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਸਿਸ ਲੋਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਇਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਜੇ
हिंदुस्तान का यह अंदोलन कामयाब हो गया तो सारी दुनिया में लोग कारपोरेट्स के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उसकी लुट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लड़ाई इतने खड़ी है। मैं तुहानू एक बेनती करा, तुहाडे ते एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। सानू बहुत कुछ कह लिया सरकार ने, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, ये सब कह के देख लिया। ये पंजाब का अंदोलन, ये पंजाब हरियाणे का अंदोलन, फिर उत्तरी भारत का अंदोलन, जदों असी सारे देश में रेलां रोकियां, 21 राज्यां च रेलां जाम हो गई, तो सरकार का मूँह बंद हो गया। तो इसलिए एक गल ख्याल रखियो, सरकार दियां बहुत सारियां ताकतां, उहदियां एजेंसियां लीडरशिप नूं भंडण लगियां, लीडरशिप नूं धमकियां दिंदियां, पर यह लीडरशिप डरन वाली नहीं, सिर्फ तुहातों डरदी है भई देखियो कितें गुमराह ना हो जायो। सरकार दियां एजेंसियां दे प्रचार विच भुलेखे च ना रहो, अंदोलन तुहाडा शिखर ते गया होया, कोई ताकत तुहानू जितण तों रोक नहीं सकदी है, मैं तुहानू यकीन दवाना। तो अज सार भगत सिंह होरां दे, उहनां दे साथियां दे शहीदी दिन ते तुसी आए हो, तुसी गुरु नानक पातशाह दे वारस हो। मैं एक गल बेनती जरूर करनी है जिहड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्सट है, वो ये है कि असी जिहड़े बुढ़े हाँ थोड़ा जिहा अपने परिवारों विच डरन लग पए हाँ, नवीं पीढ़ी अपना चेहरा मोहरा बिगाड़ रही है, केस कटा के तुहाडी पछाण जिहड़ी आ खुरद बुरद हुंदी जांदी है दुनिया विच। जे किते इहनू मेरी अपील नू तुसी सुनदे हो, इहदे ते अमल करो। कोई समा सी तुसी पगड़ियां बन्नण लग पए सी, यह भी अज लोड़ है समय की, क्योंकि तुसी आधार हो इस अंदोलन का। साड़ी नवी पीढ़ी इस अंदोलन का आधार है, तुसी साड़ी ताकत हो। असी ठरम्मे नाल तुहानू समझा सकते हैं, ताकत तुसी हो, लड़िया तुहाडे सिर ते जाना है, अंदोलन लड़िया जा रहा है, पर अपने विरसे नू भी पछाणो। असी ये ख्याल रखिए, जिन्हें आधार तैयार किया उसकी जिम्मेवारी भी बद हुंदी है। इस अंदोलन का आधार पंजाबियों ने तैयार किया। सरकार कह रही है भाई जी उतों मोर्चे चो लोग जान लग पे, उन्हें यह नहीं पता भी साढ़े हर पिंड च फैसला यह हो गया, पिहाड़ी की पार्टी है वह भी करनी है, जिहड़ा छोटा पिंड है वह 10 बंदे, वड्डा पिंड 20 बंदे उत्थे बिठा के रखेगा। उन्हें यह भी दींद है भी साढ़े पक्के पैरी बैठने की निशानी यह भी है, असी पक्खे फिट कर लग पे, असी कूलर उत्थे लाउण लग पे, उत्थे एसी फिट हो रहे हैं, उत्थे असी अपने घर पक्के बना रहे, ते उत्थों असी हिलण वाले नहीं जदों तक फतेह नहीं हुंदा मोर्चा। सरकार कहिंदी है इन्हां नूं फंडिंग बाहरों हुंदी है, अज आउंदे रहिण साडे भरा जिहड़े सारी दुनिया च बैठे ने, हुंदी है फंडिंग बाहरों, साढ़े ही ने सानू फंडिंग करते ने, वह आते हैं इतने अपने भरावों कुछ ना कुछ दे के चले जाते हैं। आ इतने बार बार की अनाउंसमेंटा हो रही हैं, जिहड़े साढ़े वीर विदेशों च बैठे ने, इतने आके जिहड़े शहीद हो गए उन्होंने परिवारों की मदद का थां थां ऐलान हो रहा। तो ये अज तुहाडी पग का सवाल है, तुहाडी इज्जत का सवाल है, क्योंकि तुसी आधार हो इस अंदोलन का। तो मैं तुहानू अपनी लीडरशिप वालों सारियां जथेबंदियों वालों ये वादा करदा भाई अंदोलन किसी कीमत ते लीडरशिप ते पैरों नहीं हारेगा। हाँ तुसी जरूर ख्याल रखियो सरकारी एजेंसियां भाजपा दियां जिहड़ियां आईटी सैल है उहदियां गल्लां विच नहीं आउणा, अंदोलन नूं कमजोर नहीं करना, अंदोलन तुहाडा जितेगा जितेगा जितेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।